रंगाज मैरिज इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मैरिज बाय मस्ति वेंकटेश अय्यंगार. इन दिस स्टोरी द नरेटर टेल्स अस अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ. रंगाज मैरिज लेखक की जीवन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. एक इंसिडेंट उसके सामने घटती है और उसको वो डिस्क्राइब करता है. इट इज अबाउट द विलेज ऑफ होसाहली. इन दैट विलेज देयर वॉज ए बॉय हुज नेम वॉज रंगा. होसाहली गांव में एक लड़का था जिसका नाम रंगा था. द स्पेशल थिंग अबाउट द बॉय इज दैट ही इज इन द फर्स्ट वन टू गो टू द बेंगलोर टू लर्न इंग्लिश. रंगा में एक विशेषता थी, एक स्पेशल खास उसके अंदर एक व्यक्तित्व था, गुण था. और स्पेशल थिंग्स इसलिए थी कि वह उस गांव का प्रथम ऐसा व्यक्ति था जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए बंगलोर जा रहा था. दस अपॉन रिटर्निंग द नरेटर एज वेल एज द विलेजर विशेज टू सी हिम. जैसे ही वो पढ़ाई करके गांव लौटा तो गांव के लोग, खुद लेखक भी, उसे मिलने के लिए गया. They feel that the Ranga would now be changed, but he does not go through over any change. वे गांव के लोग सोचते थे कि शहर में जाकर के रंगा पढ़ करके आया है, शायद उसमें कुछ बदलाव हो गया हो, लेकिन उसमें के कोई चेंजिंग नहीं था. The narrator decide to marry off Ranga to the suitable girl. नरेटर इज ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ द रंगा. ये सोचता है कि पढ़ाई लिखाई होने के बाद इसकी शादी करा दी जाए. सो वी लर्न अबाउट हाउ द मैरिज अरेंजमेंट हैपेंस एंड व्हाट ऑल टेक्स प्लेस इन दैट ड्यूरेशन. अब हम पढ़ेंगे कि शादी में क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ा और ये शादी किस तरह से हुई और कितने समय बाद हुई, इस सब की चर्चा हम अपने बुक में करेंगे. रंगा इज ए बॉय लिविंग इन द विलेज ऑफ होसाहली इन मैसूर. रंगा होसाहली में रहने वाला एक लड़का था. ही गोज टू बंगलोर टू रिसीव इंग्लिश मीडियम एजुकेशन. वह बंगलोर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है. अपॉन रिटर्निंग टू द विलेज ऑल द विलेजर्स कम टू हिज प्लेस टू नोटिस एनी चेंज इन द बॉय, बट रंगा वाज सेम एज ही वाज बिफोर. गांव के लोगों में उत्सुकता थी, वह शहर में पढ़ करके आया है, उसके रहन सहन सब कुछ में बदलाव होना चाहिए, हो गया होगा, लेकिन गांव के लोग क्या पाते हैं कि उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ. ही इवन ग्रीटेड एवरी वन विद अ नमस्कार एंड दस एवरी वन लेफ्ट. वो सबसे नमस्कार करके बात किया और सबको विदा किया. बट द नरेटर स्टेज बैक एट हिज प्लेस टू टॉक विथ हिम. लेकिन नरेटर उसके घर के आसपास रहा क्योंकि वह खुद रंगा से बात करना चाहता था. दस दे स्टार्ट टॉकिंग एंड द नरेटर थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया टू फाइंड ए सुटेबल गर्ल फॉर द रंगा इज नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिज जस्ट येट
and wishes to marry to only a mature and admirable girl. बातों बात में लेखक ये पता लगा लेता है कि रंगा शादी करना चाह रहा है, लेकिन ये सोचता है कि उसके लिए एक कोई मैच्योर और सुंदर लड़की मिल जाए तो वह शादी कर सकता है. Thus the narrator decides that he will surely get Ranga married. इस प्रकार राइटर डिसाइड करता है कि हम रंगा की शादी निश्चित रूप से कराएंगे. He feels that Ratna would be a perfect match for the Ranga. उसके दिमाग में रत्ना नाम की एक लड़की थी जिनको वो जानता था. वो कहा कि रंगा के लिए परफेक्ट होगी. रत्ना belongs to a big town and she is an expert in playing musical instruments like veena and harmonium. क्योंकि रत्ना एक शहर से belongs करती थी और वह बहुत एक्सपर्ट थी. वह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बीना, हारमोनियम एक्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट को बजाने में बहुत निपुण थी. Thus he decided to call Ratna deliberately when Ranga was visiting. तब वह रत्ना को गुप्त रूप से बुलाता है और रंगा से मिलवाता है. Upon seeing Ratna, she mesmerized Ranga. रत्ना को देख करके वह रंगा को याद करता है. लेकिन कुछ दिनों बाद रत्ना और रंगा के मिलने के बाद वह रत्ना इस चीज को, इस मधुर मिलन को वह भूल गई. However, the narrator play a game and lies to Ratna that she is married. तब नरेटर एक ड्रामा करता है और कहता है रत्ना से कि देखो वो अब शादी करने वाला है. इधर रंगा से भी बता रहा है कि रत्ना की शादी होने वाली है. This news disappoint रंगा as he starts liking her. जब ये बात रंगा सुनता है तो वह रत्ना के बारे में सोचने लगता है. As per the narrator's plan, he takes Ranga to an astrologer. जैसे कि राइटर पहले से ये प्लान बना चुका था, उस प्लान के हिस्से में वह रंगा को एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के पास ले जाता है. Ranga has already made arrangements with the astrologer and everything was pre-planned. रंगा पहले ही एस्ट्रोलॉजर से मिलने की व्यवस्था बनाता है और पहले से ये प्लान बना लिया जाता है कि दोनों को एक साथ मिलवाना है. सो द एस्ट्रोलॉजर आस्क क्वेश्चंस टू रंगा व्हिच हेल्प हिम एडमिट द फैक्ट दैट ही लाइक्स रत्ना. बातों बात में वह एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी रंगा से पूछता है कि क्या वह रत्ना को पसंद करता है. द प्रॉब्लम ऑफ हर मैरिज वॉज एट द हेड. क्योंकि यही उसकी प्रॉब्लम थी. ये रत्ना को भी पता नहीं चलता था कि रंगा मुझे लाइक करता है या नहीं. रंगा को नहीं पता था कि रत्ना मुझे लाइक करती है कि नहीं. नंदेल्स द एस्ट्रोलॉजर टेल्स रंगा दैट ही इज इन लव विथ ए गर्ल हुज नेम रिजेम्बल्स रत्ना. तब ज्योतिष के पूछने के बाद रंगा कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शायद उसका नाम रत्ना है. अपॉन हियरिंग दिस रंगा गेट्स वेरी हैप्पी बट सैड अगेन बिकॉज सी इज नॉट अवेलेबल. जब ज्योतिष बताया कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो, उस लड़की का नाम रत्ना है, यह सुनकर के रंगा बहुत प्रसन्न हुआ. लेकिन वह दुखित भी हुआ कि फिर वह उससे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इधर राइटर उसे बता दिया था कि उसके पहले ही शादी हो चुकी है. Thus upon confirmations that Ranga loves Ratna,
जब ये कन्फर्मेशन हो गया कि रंगा रत्ना से प्यार करती है तो ही डिसाइड्स टू सेट अप देयर मैरिज। तब राइटर रत्ना और रंगा की मैरिज कराने का व्यवस्था करता है। द नरेटर गोज टू द रत्ना हाउस टू आस्क हर हैंड इन मैरिज फॉर द रंगा। नरेटर खुद रत्ना के घर जाता है और उससे रंगा के लिए हाथ मांगता है। फाइनली द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड टू 10 years लेटर। ये कहानी लगभग उस मुलाकात के 10 वर्ष बाद की है। रंगा इज विजिटिंग द नरेटर टू हिज सन 3rd birthday। रंगा मिलता है नरेटर के तीसरे लड़के के जन्मदिन पर। ही लर्न दैट रत्ना एंड रंगा गॉट मैरिड एंड रंगा नेम देयर सन आफ्टर द नरेटर हु मेड द मैरिज ऑफ द हैपन। तब वह रंगा बताता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और हमारा एक लड़का है जो मैं तुम्हारे ही नाम पर रंगा उसका नाम रखा हूँ। एट लास्ट टू सम ऑफ द रंगाज मैरिज समरी वी लर्न अबाउट द ब्यूटी ऑफ द क्वाइंट विलेज एंड इट्स कस्टम एंड ट्रेडिशंस प्लस इट हाईलाइट द स्ट्रगल टू रिजर्व आवर कल्चर एंड अगेंस्ट द वेस्टर्नाइजेशन। अंत में राइटर ये कहना चाहता है कि हमारी जो धरोहर है, जो संस्कृत है, जो कल्चर है, जो कस्टम है, उसको हमें बनाए रखना चाहिए। इस पर वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।